बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। आज हम बना रहे हैं जी बारबेक्यू, और ये चिकन है। चिकन मैंने ले लिया 1 kg, इसको मैंने ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, ये देखें। और अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। मटन भी ले सकते हैं, और इसको सीखों पर भी बना सकते हैं, अगर ग्रिल पैन है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन का जो चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। 2 tablespoon टिक्का मसाला चाहिए, पहले 1 डाला था 2, और ये 1 tablespoon फुल भर के चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, और ये 1 tablespoon जिंजर पेस्ट है, और 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट, और ये मैं कर रही हूँ 1 teaspoon ब्लैक पेपर। अच्छा, इसको जितना स्पाइसी बनाएंगे उतना ज़्यादा मज़े का बनता है। ये फुल स्पाइसी नहीं बनेगा क्योंकि इतनी तीखी मिर्चें नहीं हैं, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। बट अगर आपके पास ज़्यादा स्पाइसी वाली कोई मिर्च है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मतलब फुल तीखापन आ जाए, तो आप उसकी क्वान्टिटी प्लीज़ कम कर लीजिएगा। 2 tablespoon फ्रेश शुगर डालूँगी, ये 1, थोड़ा सा फ्रीज हुआ है इसलिए थोड़ा सा सख्त है, मैंने अंदर रखा हुआ था फ्रिज में। और 2 अदद ये मैंने बड़े साइज के, ये देखे निमोनी है, इसको मैं निचोड़ूंगी इसके अंदर, ये देखें मैंने इसमें से बीज निकाल लिए, इसको अच्छे से ऐसे निचोड़ दूंगी दोनों को। और मैं अब यहाँ फूड कलर ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में डाल रही हूँ फूड कलर, सॉरी अभी रेड चिली भी डालनी है, लास्ट में डाल रही हूँ सबसे लास्ट में रेड चिली पाउडर 1 teaspoon, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो गया, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, कलर कितना ज़बरदस्त है। इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी ये हो गया है डन, ये मैंने ऐसे सेट कर लिया सब। अब ऑयल करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीस, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हर लेयर पे कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये रख दिया है ग्रिल पैन में, अब इसको एक साइड से अच्छी तरीके से पका लेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, ये देखें जी एक साइड अच्छे तरीके से कुक हो गई है, मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी, और ये कवर नहीं कर रही, बिना कवर के बना रही हूँ। टिक्का बिना कवर के ही बनता है यकीनन, ये तो नेचुरल सी बात है, को बंद करके बनाएंगे तो वो ज़रा ज़्यादा जूसी जूसी सा हो जाता है। ये भी जूसी होगा बट बहुत एक्सट्रीम के लिए। ये देखिए जी सारे हो गए रेडी, अब हमने ये इस पर रख दिया था कोयला छोटा सा, कि इस तरह हम कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ये देखें ये कर दिया बंद, अच्छे से इसकी कोयले की स्टीम चली जाएगी चिकन में। ये देखें जी तैयार है बिल्कुल हमारा गर्मा गर्म टिक्का, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, बहुत ही मज़ेदार, ख़ुद भी खाएं और सर्दियों में दूसरों को भी खिलाएं, फुल एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।